स्वागत है आपका। लड़के का नाम और उसके पसीना बहुत आता है हथेलिया में और पगतलिया में। ठीक है, आयु कितनी होगी कुलदीप कुमार की? प्रदीप कुमार है, प्रदीप, कुलदीप प्रदीप, नहीं। प्रदीप, प्रदीप कुमार। हाँ, 15 उम्र बता दीजिए15 उनकी। 15 साल का है। 15 साल। धनिया धनिया का पाउडर हर किचन में मौजूद रहता है, धनिया का पाउडर। ये खाना है आधा चम्मच। खाने से पहले खाएं या बाद में खाएं। और एक आता है नमक जैतून, असली नमक जैतून, नकली नहीं, नकली बहुत मिलता है, तो असली ही लेना तभी फायदा मुमकिन है। एक चुटकी नमक जैतून पानी में मिला दो, एक गिलास पानी में। और इस पानी से बच्चे को आधा चम्मच धनिया खाना है, दिन में एक बार या दो बार। खाने से पहले भी ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं, बच्चे को फायदा मुमकिन है। स्वागत है आपका। जी मैडम, रेनू। हेलो। जी मैम, पूछिए। हाँ मैडम, मेरे को दो सवाल पूछने थे। हाँ मैडम, ये मैंने एक तो पूछा था कि मेरे जो ननन की बहू है उनको संतान नहीं हो रही है, तो ठीक है, सर ने बता। हाँ जी आगे मैम। बोलिए। हाँ मैम बोलते रहिए, टीवी मत सुनिए। मैडम, मैंने ना दो सवाल पूछने थे। एक तो मैंने अपनी ननन को संतान नहीं हो रही थी ठीक उसके है। लिए पूछा था कि भाई सर ने बताया भी था गोंद तिल गोजा देना है और इसबगोल की भूसी, तो सर सर वो मेरे को कैसे देना है और कब देना है। ठीक है। हाँ, और दूसरा है सवाल सर, मैंने पड़ोस में एक आंटी रहती है, 70 साल की है, तो उनको घुटनों में बहुत दर्द है, ऐसे मतलब झुक झुक के थोड़ा चलती है, बहुत ही दर्द है, और उन्हें शुगर भी है, बीपी भी है। वैसे तो मैं सबको दे देती हूँ गोंद सिया, पर इनका 70 साल में समझ में नहीं आ रहा था, मैं बोला आपसे पूछ लूँ। जी जी देखिए, ननंद के लिए आपके पास नुस्खा भी है और शायद आप लिखती भी हैं और लोगों की सेवा भी करती हैं आप। आपकी बातों से ऐसा लगता है, ज़रूर किया करिए, सेवा बहुत बड़ा धर्म है। तो वो एक चुटकी गोंद चिलगोजा, इसबगोल की भूसी एक चम्मच या दो चम्मच गरम दूध में मिला दें, और जब ये ठंडा हो जाए तो इसमें शक्कर वगैरह भी मिला लें, तो वो महिला वो खा लें इसको रात को सोते समय। और मुमकिन हो तो उनके हस्बैंड को भी ये एक खुराक दे दें। तो कभी कभी क्या होता है कि पुरुष के कीटाणु कमजोर होते हैं, तो वो पुरुष जरा जिद्दी होता है, अपनी गलती जरा मुश्किल से मानता है, उसके लिए जांच भी होती है, या जो भी उसको परेशानी होगी वो इससे चली जाएगी, जांच कराना भी कोई बात नहीं है, नहीं कराए तो। और ये दोनों को, दोनों दंपत्ति को दीजिए रोजाना रात को सोते समय एक खुराक, बस काफी है, बहुत जल्द उनको उम्मीद हो सकती है। जी, और एक सवाल था, 70 एज है कि घुटनों में दर्द, शुगर, बीपी। हाँ, देखिए शुगर का भी इलाज करते रहें और बीपी का भी इलाज करते रहें। साथ में बीपी के लिए एक चुटकी नमक जैतून और एक चुटकी खाने का सोडा लें और अपनी दवाएं भी लें। बीपी बहुत इस वक्त परेशान कर सकता है। और कौन सिया एक खुराक देना शुरू करें रोज़ाना उनको, आधा ग्राम, और फिर आगे जाके एक खुराक और भी दे सकते हैं। पहले एक खुराक शुरू करें, आप उनको फायदा पहुंचाइए, भगवान आपसे बहुत खुश होगा।